नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कमल नंदलाल के महा उपाय आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ है श्रोतक पर। इसलिए श्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज यूट्यूब और फेसबुक पर और टक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाए आप। जी हाँ, चलिए सीधे आते हैं हमारे खास विषय पर। कमल नंदलाल का महा उपाय एजुकेशन में सक्सेस दिलाए। जी हाँ, यह है खास उपाय जो आपको शिक्षा में सफलता दिलाए। एजुकेशन जीवन का मूल आधार है, बिना सरस्वती के लक्ष्मी आ ही नहीं सकती और लक्ष्मी को लाने के लिए सरस्वती जरूरी है। सरस्वती मतलब ज्ञान, सरस्वती मतलब एजुकेशन, सरस्वती मतलब बुद्धि, बुद्धि कौशल। जी हाँ, जीवन में एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है आप बताइए। आपको पल पल पर एजुकेशन जरूरी है। कैसे? बैंक आप जाते होंगे, फॉर्म भरने के लिए एजुकेशन जरूरी। आप किसी सरकारी कार्यालय जाएं, वहां एजुकेशन जरूरी। आपको अगर कोई पब्लिक डीलिंग करनी हो, वहाँ एजुकेशन जरूरी। अगर आप इंटरनेशनली किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो देन यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, इन दैट केस एजुकेशन इज नेसेसरी। एजुकेशन जरूरी है क्योंकि आपको अंग्रेजी भी वही सिखाती है। इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, देन इवन एजुकेशन इज नेसेसरी। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जमा, गुणा, फल, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है ताकि आपके साथ में कोई लूट खसोट ना करे। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि आप सही को सही और गलत को गलत समझें। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप दिमाग से तेज हो जाएं, आप तीव्र बुद्धि हो जाएं। शिक्षा इसलिए जरूरी है और शिक्षा सरस्वती की देन है। और सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी के भार्य, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वही शास्त्र कहते हैं जहां पर ज्योतिष को छठा अंग कहा गया है। और वेद ऐसा कहते हैं, जगन्न माता सरस्वती ही मूल जननी है, जिनसे पाणी प्राणी मात्र जो है उसकी संरचना हुई है। उस सरस्वती की प्राप्ति के लिए आपको विशेष उपाय। वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन में कुछ कमजोर हैं या जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं या जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, अगर वो ये खास उपाय कर लें तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता पाएंगे। देखिए, कुंडली में पांचवा भाव जो होता है वो एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और पांचवें भाव का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है, लेकिन पांचवें भाव पर पक्का घर जो माना जाता है वो बृहस्पति का भी माना जाता है। और ये उपाय भी बृहस्पति के लिए है क्योंकि बृहस्पति क्या देता है आपको? वैवेक्यता, नॉलेज। देखिए, बुद्धि होना एक अलग बात है लेकिन नॉलेज होना दूसरी बात है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में बुद्धि तो है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको गुरु देता है, गुरु आपको ज्ञान देता है। तो ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों को एक ही मत कीजिएगा। बुद्धि बुद्ध से आती है लेकिन ज्ञान बृहस्पति से आता है। तो ये उपाय विशेष तौर पर बृहस्पति से संबंधित है, इसलिए गुरुवार के दिन करना है। तो गुरुवार के दिन आप विशेष तौर पर एक काम करें, वो ये करें, आप अगर एजुकेशन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो बृहस्पति के दिन एक विशेष उपाय कीजिए। पांच कोई भी धार्मिक पुस्तकें ले लीजिए, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, छोटी छोटी राम रक्षा स्तोत्र हो गया, कोई भी शिव चालीसा हो गई, दुर्गा चालीसा हो गई, कोई भी धार्मिक पुस्तक जो आपको सस्ते से सस्ती उपलब्ध हो, और उसे पीले कपड़े में लपेट लीजिए। उस पीले कपड़े में लपेटने के बाद में किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर चले जाइए, और चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे नरसिंह का हो, चाहे विष्णु के किसी अवतार का हो, चाहे भगवान सत्यनारायण का हो, चाहे नारायण का हो, किसी भी मंदिर में सिर ले जाइए और वहां पर भगवान के चरणों में इसको रखवा दीजिए सिर्फ 2 मिनट। और वहां पर
भगवान नारायण से ये प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, हम आपकी शरण आए हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खोलिए। और उसके बाद इसे विशेष तौर पर वापस ले लें प्रसाद स्वरूप में। अब इसमें से जो चार पुस्तकें हैं, आपने पांच पुस्तकें लेनी धार्मिक पुस्तकें, इसमें से चार पुस्तकें किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। अगर कोई ना मिले तो किसी भी गरीब बच्चे को दान कर दें, लेकिन होनी चाहिए धार्मिक पुस्तक, चाहे वो कोई भी चालीसा हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे कोई भी पुस्तक, चार इसे दान कर दें और एक अपने पास सुरक्षित रख लें। उस पुस्तक में से जो भी आप ले रहे हैं, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र है, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम है, चाहे शिव चालीसा है, कोई भी छोटी सी पुस्तक जो 2-5 रुपए की मिल जाती है, उसे ले लें। चार का दान कर दें, एक अपने साथ रखें और उसका नियमित रूप से पाठ करें। आपको आश्वस्त करता हूं, आप में ज्ञान की लेवल 100 गुना ऊपर बढ़ जाएगी। इस उपाय को करके देखिए और जरूर मुझे लिखिएगा वीडियो के कमेंट पे कि आपने अगर ये उपाय किया है तो इसका उपाय जो का जो असर है वो 43 दिन बाद शुरू होता है। इस उपाय को करने के बाद जरूर बताइएगा कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसी रही, आपकी नॉलेज अटेनिंग स्थिति कैसी रही, आप किस प्रकार से नॉलेज अटेन कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।